वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. शेड्यूल वुड बी लाइक दिस. झारखंड वुड बी इन टू फेजेस. द डेट ऑफ पोल फर्स्ट फेज वुड बी ऑन डेट ऑफ पोल वुड बी ऑन 13th November एंड द सेकेंड फेज वुड बी अलॉन्ग विद महाराष्ट्र ऑन 20th November. सो द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर झारखंड फेज वन वुड बी 18th एंड फॉर फेज टू वुड बी 22nd अलॉन्ग विद महाराष्ट्र. Nominations for phase 1 would be till 25th of October and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd-11, that is Saturday. नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही मंगलवार से साहिबगंज जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. यह आदर्श आचार संहिता विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि तक लागू रहेगी. इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त हेमंत सती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल, संगठन आदि के द्वारा यदि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो मामले पर सुसंगत प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी. विधानसभा आम निर्वाचन पूरे झारखंड राज्य में दो चरणों में होगी. साहिबगंज जिलांतर्गत राजमहल, बोरियो, बरहेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान होगा एवं मतगणना 30 नवंबर को होगी. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिले में विधि व्यवस्था एवं स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर जाँच पड़ताल एवं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सभी राजनीतिक दलों के कैंडिडेट से, सभी राजनीतिक दलों से, प्रेस मीडिया के बंधुओं से और जितने भी लोग हैं उन सभी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो एक डेकोरम है उस डेकोरम को बनाए रखेंगे और ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे चुनाव दुष्प्रभावित हो. तो इसी क्रम में आज जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावों की घोषणा की गई उसके क्रम में स्पेशली साहिबगंज के कंटेक्स्ट में और राजमहल के कंटेक्स्ट में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों के यहाँ दो चरणों का चुनाव झारखंड में, जिसमें साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव होना है वो सेकेंड फेज में होना है. सेकेंड फेज के लिए डेट्स कुछ इस प्रकार है, सभी लोगों को मालूम होगा लेकिन फिर भी बता देना बेहतर रहेगा. साहिबगंज जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें पहली राजमहल, दूसरी बोरियो, तीसरी बरेट. बढ़रवा का कुछ पार्ट, बढ़रवा ब्लॉक का कुछ पार्ट पाकुड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है और गोड्डा में सुंदर पहाड़ी और बुआरी जो वो क्रम से है बरेट और बोरियो का पार्ट. तो इस प्रकार से हमारे जिले में फुल मिलाकर के जो है एक फुल एसी और 3 पार्ट एसी आते हैं. तो इन तीनों, इन सभी जगहों पर जो चुनाव का जो अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन होगा, वो नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन होगा. नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उस दिन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो अधिसूचना जारी करते हैं, चुनाव के नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसके बाद जो है कैंडिडेट्स लोग अपना नॉमिनेशन करना प्रारंभ करते हैं और अन्य जो भी एक्टिविटीज है उसके बारे में हम लोग उसमें उल्लेख करते हैं. नॉमिनेशन का जो लास्ट डे है वो है 29/10/2024, मतलब 29 अक्टूबर को जो नाम निर्देशन है उसकी अंतिम तिथि घोषित की गई है. स्क्रूटनी जो होती है, समीक्षा जिसको बोला जाता है, वो 30 अक्टूबर को होगी. उसके बाद नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख है वो 1 नवंबर 2024 होगी. मतदान की तिथि 20/11/2024 को निर्धारित की गई है और मतगणना की तिथि 23/11/2024 को निर्धारित की गई. इस प्रकार से जो साहिबगंज जिले में एक फुल एसी और 3 पार्ट एसी है, उन तीनों पार्ट एसियों में इस प्रकार के शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा और इस दौरान पूरे लगभग 1 माह और 10 दिनों तक
संपूर्ण झारखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। चेक पोस्ट कोई एक दो डिपार्टमेंट का नहीं होगा, मल्टीपल एजेंसीज का होगा। वहाँ पे सभी एजेंसीज जो भी है, कमर्शियल टैक्स हो चाहे एक्साइज हो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस हो चाहे और भी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, इनकम टैक्स का भी हो, जो भी हर तरह के लोग वहाँ, फॉरेस्ट के भी लोग हैं, ताकि अगर कोई वहाँ सीजर होता है या कोई उस तरह की चीज पकड़ी जाती है तो जेन्यून है नहीं है उसका तुरंत निर्णय लिया जा सके और उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो इंटर स्टेट जो चेक पोस्ट होंगे सब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। एक नई चीज इस बार होगी कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे तो लगे जो पहले भी लगते रहे, बट उसकी फीड जो उसका जो वीडियो है वो हमारे कंट्रोल में यहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे सारे कंट्रोल जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, ज्वाइंट कंट्रोल रूम, यहाँ से होती है, आपको देखेंगे और पदाधिकारी को देखेंगे ताकि क्या एक्चुअल वहाँ हो रहा है। प्लस इस बार हम लोगों ने और डीसी सर ने मिलकर एक ये योजना बनाई है कि जो पदाधिकारी और जो कर्मी वहाँ प्रतिनिधित्व रहेंगे उसकी प्रॉपर सुपरविजन और प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए डीएसपी साहब के नेतृत्व में और साथ में जो वरीय मैजिस्ट्रेट जो रहेंगे उनके साथ सीओ साहब या वीडियो साहब, उसकी एक इंस्पेक्शन टीम बनेगी जो हर दिन कम से कम बूथ पे जाएगी अलग अलग टाइम में, कभी सुबह कभी रात कभी दिन में, कि वो लोग सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इंस्पेक्शन टीम भी वहाँ जाके बूथ पे अपनी एंट्रीज करेगी रजिस्टर में, गए वहाँ क्या देखे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो हम लोग वो पहला चीज है। दूसरी चीज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जो सीएपीएफ कहते हैं उसको, जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसकी चार कंपनी एडवांस में दी गई है, तीन दिनों में वो आ जाएगी। उसका इस्तेमाल भी हम लोग चेक पोस्ट और जो एरिया डोमिनेशन वो जो पूछ रहे थे भाई साहब क्रिटिकल बूथ्स और वल्नरेबल बूथ्स जो भी उस तरह के सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, सब में फ्लैग मार्क एरिया डोमिनेशन और वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग फोर्सेज का यूज करते हैं। तो प्लस इसके साथ साथ सीजर्स पे पुराने जो वारंटी हैं जिन पे एनबीडब्ल्यू पहले से इशूज हैं, कोई ऐसे अपराध में संलिप्त रहे हैं जिनको पकड़ा जाना जरूरी है, उसके लिए आज से स्पेशल ड्राइव चलेगा। जैसे कि पहले चल रहा है